जैसी लागी ओर की वैसे निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ी के पूंजी लक्ष करोड़। सदगुरु कबीर की ये पंक्ति हम साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सुन रहे थे, मोती की चमक जाती नहीं है, और यदि चमक चली गई इसका अर्थ वह नकली मोती है। ऐसे ही साधु के विषय में कहा गया, साधु की जो चमक है उसकी रहनी से है, त्याग से है, साधना से है। और ये चमक यदि चली गई तो फिर साधु होने का अर्थ क्या निकला? इस चमक को बनाए रखना है। सदगुरु कबीर ये कहते हैं कि प्रारंभ में वह चमक थी, लेकिन आगे चलकर चमक कम होती चली गई। जैसी लागी ओर की, ओर प्रारंभ। हम उस दिन की ख्याल करें जिस दिन पहली बार हम सदगुरु की शरण में आए होंगे। थोड़ा से पीछे जाके देख लें, उस दिन की जो विनम्रता थी, उस दिन की जो श्रद्धा थी, उस दिन की जो भावना थी, उस दिन का जो त्याग भाव था, विराग भाव था, निरपेक्ष भाव था, होना तो यह चाहिए वो और निरंतर बढ़ता चला जाए, विकसित होता चला जाए, मजबूत होता चला जाए। और यदि उसमें अंतर आ रहा है, कमी हो रही है, तो हम फिर से अपने जीवन को तरह से फिर से निरीक्षण कर लें। ऐसा नहीं है कि हम समय गंवा दिए, जो बीत गया वो तो बात अलग है, लेकिन फिर से कोई आदमी सजग हो, सावधान हो, तो फिर से ऊंचाई को छू सकता है, फिर से छू सकता है। साहब यही कहते हैं, शुरू में जो साधना के प्रति आकर्षण था, वैराग्य के प्रति जो भाव था, वैसे निभाए छोर। और छोर, और का मतलब प्रारंभ, छोर का मतलब अंत। जो शुरुआत की वैसी ही अंत भी हो। हम किसी काम को प्रारंभ करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने काम प्रारंभ किए ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कितने काम को हम संपन्न किए। बहुत से काम हम शुरू करते हैं, क्या सभी काम संपन्न कर लेते हैं? प्रारंभ भी महत्वपूर्ण तो है, लेकिन आगे चल के छोड़ दिया गया तो फिर, इसलिए समापन महत्वपूर्ण है, समापन महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर हमारा निर्णय होगा हमने कितने काम पूरे किए, कितने काम शुरू किए। इसका क्या अर्थ है? कितने काम को हम अच्छे तरीके से संपन्न किए, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें खुद को जीवन जीना है। आखिर में हम लोग किसके लिए यहाँ आए हैं?
सदगुरु के लिए आए हैं, समाज के लिए आए हैं, संस्था के लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं? अपने लिए आए हैं, अपने लिए। और अपने लिए जब हम आए हैं तो हम अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति कहाँ लगाएं? अपने कल्याण में लगाएं, साधना में लगाएं। ये बहुत बड़ी बात होगी कि हम अपनी जीवन ऊर्जा को सही दिशा दें। उसी से ही तो जीवन का संचालन होने वाला है। हमारे पास जैसे एक निश्चित धन हो, एक निश्चित मात्रा में धन हो, बस इतना ही है। अब उस धन का हम अपने जीवन गुजर के लिए, जीवन विकास के लिए उपयोग करें या फिर फालतू के खर्च में। धन तो उतना ही है ना, फालतू के जब खर्च करेंगे धन को तो जो आवश्यक खर्च है उसमें कटौती करनी पड़ेगी, और जिस ढंग से होना चाहिए वह काम जो महत्वपूर्ण है वह नहीं हो पाएगा, उस क्वालिटी में नहीं हो पाएगा, क्वालिटी में नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों के अंदर भी जो जीवन ऊर्जा है ना, एक सीमित है, हमारी शक्ति सीमित है, निसीम नहीं है, सीमित है। अब उसको एक दिशा में जब नहीं भेजेंगे तो बिखरेंगी, वो बिखरेंगी। इसलिए एक दिशा प्रवाही हो, दिशा प्रवाही हो। समाज के जो उथल पुथल हैं ये होते रहेंगे, चाहे वो राजनीतिक उथल पुथल हो, सामाजिक उथल पुथल हो, पारिवारिक उथल पुथल हो, किसी प्रकार से परिस्थितियां बदलेंगी, लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों के व्यवहार बदलेंगे। इस बात को लेकर के यदि हमने अपना काम छोड़ दिया और उसमें उलझ गए तो क्या होगा? जिन लोगों का पक्ष लेकर के हमने अपने मूल्यवान समय को बर्बाद किया है, अपने मन को अपवित्र किया है, क्या वे लोग हमारा सहयोग करेंगे आगे चल करके? कोई नहीं करने वाला है, ये ध्यान दीजिए, कोई नहीं करने वाला है, ये हमेशा ध्यान रखें। आपको कोई भड़का करके, आपको मिसगाइड करके कोई किसी के पक्ष में लगा दे, किसी के विपक्ष में लगा दे, किसी के साथ लड़ने झगड़ने में लगा दे, उसके बाद जो मन की दशा होगी उसको संभालने के लिए कोई आएगा? कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। अपने अकेले में उस फल को हमें ही भोगना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो घटना अलग हो जाएगी, कोई भी घटना वो सब अलग हो जाएगी, लोग अलग हो जाएंगे, परिस्थिति अलग हो जाएगी, लेकिन लोगों के द्वारा जो किया गया, परिस्थिति के नाते जो मेरे मन में संस्कार बने, वह सब मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मैंने कहा ना, जब आप बिस्तर पर जाएंगे वो लोग थोड़ी रहेंगे जिनके साथ आपने विवाद किया, जिसने आपको विवाद में लगाया, या फिर नुकसान हुआ, टूटा फूटा। वस्तु अलग रह जाएगी, लोग अलग रह जाएंगे, लेकिन मैं अपने साथ रहूंगा, मैं अपने साथ रहूंगा, और वो मेरे लिए दुख सुख के कारण बनेंगे, वो मेरे दुख सुख के कारण बनेंगे, वो मेरी
प्रगति और अवगति के कारण बनने वाले हैं। इसलिए हम अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को गलत जगह ना खोएं। सब छूटने वाले हैं, देख रहे हैं, कोई रहने वाला है? गुरुदेव जी हम लोगों के परम आराध्य थे, अनुशासता थे, उनका शरीर छूट गया, हम में से कितने लोग गए उनके साथ? कोई गया? कोई नहीं। हमारे साथ कौन जाएगा? हमारे अपने संस्कार। और उसको ठीक नहीं किए और उसको ठीक करने में लग गए, किसको? जो यही रह जाने वाला है, यही छूट जाने वाला है। छूट जाना भी वो भी ठीक है, लेकिन छूटने के पहले हमारे भीतर वो कचरा भर दे, हमारे भीतर विकार भर दे, तो फिर हम ऐसा क्यों करें? अपना नुकसान करना हम बंद कर दें। हम सभी जो नुकसान हम कर रहे हैं ना, अपने समय और शक्ति की बर्बादी कर रहे हैं, इसको छोड़ दें। रोज दिशा दें। और इसके लिए क्या करना है? सुबह से ही लग जाइए, सुबह से ही, क्योंकि दिन की शुरुआत होती है। अब बीते हुए दिनों में हम जाकर के शुरुआत नहीं कर सकते हैं, जब भी शुरुआत करेंगे वर्तमान में करेंगे, आज करेंगे। और मैंने अनेकों बार इसका अर्थ बताया है, आज का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं आज? टुडे। आज की परिभाषा क्या है? बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन एक परिभाषा मुझे पसंद है और वह परिभाषा मैं आप लोगों को कई बार कह चुका हूं। वह क्या है? आज का मतलब हमारे आने वाले, हमारे जीवन के बचे हुए समय का पहला दिन। आज का मतलब बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन। जो भी दिन अब तक अब बचे हैं आगे को, उसका आज पहला दिन है, पहला दिन। ये तो भूल जाएं, अब कल हमने क्या किया, हमसे कितनी गलतियां हो गई, क्या हो गया, कोई बात नहीं, हुआ, हो गया, ठीक है। लेकिन आज तो मेरे लिए फ्रेश है ना, आज का दिन तो फ्रेश मिला है मुझे, आज के दिन फ्रेश मिला है। अब क्या करना है? आज को ही दिशा देना शुरू कर दें, आज से ही शुरू कर दें। जब हम लोग पढ़ते थे, कापियां होती थी और कापी जब भर जाती थी, और जबकि सत्र अंतिम हो रहा है फिर भी कापी लेते थे, और जब कापी ले लेते थे तो क्या होता था? बढ़िया कापी, लेकिन कुछ पन्ने खर्च हुए। अब क्या करेंगे? जो फ्रेश है उसको फेंक देंगे? नहीं, क्या करना चाहिए? जो कुछ उसमें काम उपयोग हो चुका है उसमें अब क्या करें? सेलो टेप लगा दें, स्टेपलर लगा दें, बंद कर दें या फाड़ के फेंक दें। अब जो बचा है ना, वहाँ से शुरू करें, वहाँ से शुरू करें। तो क्या होगा? आज से शुरू करना है। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दिन की शुरुआत कब से होती है? दिन की शुरुआत होती है जब समय नींद खुलती है। नींद खुलती है उसी समय दिन की शुरुआत हो जाती है। बस वहीं से शुरू कर दें, वहीं से शुरू कर दें। किसको दिशा देना है? विचारों को, क्योंकि यहीं से शक्ति जा रही है ना, विचारों से। जो अपना मन है उसी को तो दिशा देना है। और मन को ही जब दिशा दे दिया गया तो वाणी और कर्म उसके अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे। ये पंक्ति हम लोग शुरू में पढ़े धम्म पदम में, मनो पुब्बक गमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया,
मनसा चे पदुठे न भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम वा वातो पदम। प्रदुष्ट भावना से कितना अंतर है। भासति वा करोति वा, इसका उल्टा क्या कहते हैं, प्रसन्नेन भासति वा करोति वा छाया वा अनपायनी, वो सुख देने वाली हो जाती है। तो शुरू से ही सुबह से ही ऐसे विचारों की झड़ी लगा दे जानबूझ करके कि उस दिशा में काम करना शुरू कर दे। सुबह से ही सुबह नींद खुले, और मेरा तो ये भी कहना है आप बिस्तर छोड़ने के पहले कर ले, जैसे नींद खुले बस आप बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठना है। थोड़ी देर के लिए क्या करना है, सबसे पहले कम से कम जिनकी याद से आपके मन में पवित्रता जगती है ऐसे इष्ट की याद करें, मन ही मन उनका अभिवादन करें, उनके प्रति झुकें, उनके प्रति झुक जाएं। आप कहेंगे कि जब कोई नहीं है तो हम क्यों बंदगी करें, क्यों झुकें। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन है कि नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, हमारा अपना झुकना। वो झुकना ही ना एक पात्रता को निर्मित करता है, झुकना पात्रता को निर्मित करता है, मतलब हम कुछ ग्रहणशील हैं उस समय, ग्रहणशील हैं। इसलिए बड़ी विनम्रता से उनके प्रति झुक जाएं। दूसरी बात क्या करना है हमको, कृतज्ञता, शुक्राना, शुक्रिया अदा करनी है, ग्रेटिट्यूड। किसकी, जो कुछ मेरे जीवन को बनाए रखने में सहयोगी है वो सबके लिए, मैं जिंदा हूँ धन्यवाद है, मेरी आँख, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे बोलने की शक्ति, सब कुछ सही सलामत है, शुक्रिया। फिर मुझे भोजन मिलता है, मेरे भोजन की व्यवस्था कोई करता है, मेरे कपड़े की व्यवस्था कोई कर रहा है, मेरे रहने की व्यवस्था है, शुक्रिया धन्यवाद। और जितना ही मन में धन्यवाद का भाव जगा, समझ ले शिकायत विलीन होता चला जाएगा, शिकायत खत्म होता चला जाएगा। तो क्या करना है, शुक्रिया अदा करनी है। कुछ बातें और हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, कम से कम जो मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन है, ये एक निर्णय ले लें, जलपान के पहले अर्थात 8:30 के पहले मुझे मोबाइल नहीं खोलना है, नहीं खोलना है, ना सोशल मीडिया को देखना है, ना किसी न्यूज़ चैनल देखना है, कुछ भी नहीं करने का है। कभी जरूरी हो सकती, कभी इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन सामान्य नियम क्या होगा, नहीं करने का है। ऐसे ही रात के समय भी मुझे इतने पहले बंद कर देना है, इतने पहले बंद कर देना है। देखिए आप निर्णय नहीं लेंगे ना जीवन में, एक कोई निश्चित विचार की ओर नहीं भेजेंगे अपने जीवन को, एक निश्चित दिशा में नहीं भेजेंगे तो बिखरेगा, बिखरेगी वो। और सचमुच जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। हमें जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारनी है, स्वयं को मैं जिम्मेदार हूँ। क्यों, जीवन क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की यात्रा, बस एक बिंदु से दूसरे बिंदु। दूसरी बिंदु का मतलब हम वहाँ जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, जो हम अपनी मानसिक अवस्था में होना चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पहुँचना। अभी यहाँ है, वहाँ से वहाँ पहुँचना, यही तो है। और बीच में रास्ते में इधर उधर हो गया तो मैंने कहा टंकी से पानी आता है,
एक पानी को दिशा दिया गया पाइप के द्वारा, लेकिन बीच में जगह जगह वो पाइप फट गया है, छेद है, लीकेज है, तो पानी उस मात्रा में नहीं पहुंचेगा जहां पहुंचना चाहिए, जितना पहुंचना चाहिए कम हो जाएगा, और लीकेज कहीं बड़ा हो गया, पाइप फटा, तब तो पहुंचेगा ही नहीं, हम नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे वहां जहां जाना चाहते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा, सुबह सुबह दिशा दे दें थोड़ी देर के लिए, अंदर में बैठ करके संकल्प ले, मैं शांत और शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत और शक्तिशाली आत्मा हूं। शांत का मतलब क्या हुआ, शांत आत्मा हूं इसका मतलब है कि मेरे मन में गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, नफरत और घृणा, इससे मेरी शक्ति व्यर्थ नहीं जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ, मैं शांत हूं, इसका अर्थ यही है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन से मेरी शक्ति खराब नहीं होती है, मैं शक्तिशाली हूं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि परिस्थिति, किसी भी प्रकार की परिस्थिति और लोगों के व्यवहार से मेरा मन ऊपर है, मेरा मन ऊपर है, किसी की बातों से मैं विचलित नहीं होता, स्थिर रहता हूं, शक्तिशाली हूं। ये आपको अपने आप को बताना है, क्यों, यही तो होना चाहते हैं, मैं स्वस्थ हूं यही तो चाहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, जो चाहते हैं ना उसको अपने आप से कहिए, ये अफर्मेशन है, आत्म सुझाव देना है। क्यों, आप अपने को नहीं बताएंगे, एक दिशा में नहीं भेजेंगे। देखो दिशा में भेजने का मतलब क्या है, मैं इसको और स्पष्ट कर दूं, अन्य सारे रास्ते बंद, अन्य सारे रास्ते बंद, और किसी कार्य योजना के प्रति समर्पण, दो बातें, किसी कार्य योजना के प्रति समर्पण। हमारी कार्य योजना क्या है, साधना करके हमें जीवन की पूरी ऊंचाई में उठना, निर्मल मन वाला हो जाना, शांत मन वाला हो जाना, ये हमारी कार्य है, ये लक्ष्य है। अब उसके लिए हमने जो योजना बनाई ना, उसके प्रति समर्पण, एक विचारवाद कह सकते हैं, एक दिशा में बस, और अन्य सारे रास्ते बंद, सारे रास्ते बंद। जब हम साधना मार्ग के लिए चुनाव किए, दूसरे रास्ते नहीं खुले थे, मैंने एक दिन कहा था ना, आप व्यापार कर सकते थे, खिलाड़ी हो सकते थे, खेती कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे, शादी कर सकते थे, लेकिन जैसे निर्णय लिए, सारे रास्ते बंद बंद, अब वो रास्ते नहीं है खुले हमारे लिए, बंद, एक निर्णय लिया गया। जैसे निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने का ही अर्थ है अन्य सारे रास्ते बंद। एक युवक युवती से शादी करता है, या युवती युवक से शादी करती है, शादी के पहले बहुत सी लड़कियों को देखता है, या बहुत से लड़कों को देखती है, लेकिन जब एक बार किसी के साथ में गठबंधन हो गया, अन्य सारे रास्ते बंद। ऐसे ही जब हमने ये तय किया, ये दिशा में जाना है, बस सारे रास्ते बंद, न वहाँ नफरत, न वहाँ घृणा, न वहाँ द्वेष, न वहाँ संघर्ष, न लड़ाई, न झगड़ा, कोई उथल पुथल नहीं, मैं शांत आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, हर परिस्थिति को मैं स्वीकार करता हूँ, हर परिस्थिति को मैं स्वीकार करता हूँ। ये जब भाव जगेगा, थोड़ी देर मैंने क्या कहा, सुबह सुबह कुछ मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए ये कुछ आत्म सुझाव दें, ऐसे ही रात में जब सोने चले तो भी आत्म सुझाव देते हुए चलें,
ये जब बार बार कहेंगे ना अपने आप को, तो फिर आप चाह करके भी गलत दिशा में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रोज उसको आपको कहना पड़ रहा है, रोज कह रहे हैं। तो सुबह सुबह ही दिशा दे दें, अपनी पूरी ऊर्जा वहां लगाएं, और सुबह कहीं दिशा दे दिए ना, वो पूरा दिन उसका फ्लो बना रहेगा। और सुबह सुबह कहीं किसी से लड़ाई हो गई, क्या होगा? पूरे दिन लड़ाई का ही फ्लो बना रह जाएगा। इसलिए कहीं सुबह शुरुआत ही गलत हो गई तो फिर अंत भी गलत होने वाला है। कई बार कहा, कोई बुशर्ट का अपना पहला बटन गलत लगा ले, अपनी कमीज का पहला बटन गलत हो जाए तो बाकी सारे बटन गलत लगने वाले हैं। शुरुआत ही गलत हो गई, शुरुआत में ही राग द्वेष लड़ाई झगड़े की बातें याद आने लगी, नफरत और घृणा की बातें, तमाम व्यवहार की बातें घूमने लग गई, ये करना वो करना, उफ, होगा ना भाई, है ना टाइम उसके लिए, कर लेंगे ना, अभी क्या भागा जा रहा है। अभी हमारे पास में ध्यान का वक्त है, सत्संग का वक्त है, और सब एक्सरसाइज का वक्त है, वो सब निपटाएंगे, बाकी काम भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करना है, पूरी जिम्मेदारी पूर्वक करनी है उसको। लेकिन इस समय जो मेरा महत्वपूर्ण है वहां दिशा दे। तो जैसी लागी ओर की वैसे निभाए छोर, शुरू में जिस प्रकार हम, जिस भावना से हम सद्गुरु की शरण में आए हैं, उसे और बढ़ाते चले। मैंने कहा ना, परिस्थितियां करवट लेंगे, लोगों को व्यवहार बदलेंगे, जिनको हम मित्र कहते हैं वही विरोधी बन सकते हैं, लेकिन अपनी चमक कम नहीं करनी है। मान लो किसी कारण से ऐसा हो भी गया है, ये गलती हमने कर भी ली है, लेकिन फिर भी सुधार सकते हैं। मैंने कहा ना, रोज के लिए आप फ्रेश नया दिन मिलता है, रोज फ्रेश मिलता है नया दिन, रोज, और वहीं से शुरू कर दें, जब से चेते तब से सही, कोई बात नहीं, बीत गया, आज से हम शुरू कर रहे हैं, आज से स्टार्ट करते हैं, आज से शुरू कर लेंगे, काम बनता चला जाएगा, फिर भूल जाएगा पीछे, भूल जाएगा पीछे, वो सब कोई याद नहीं करेगा, आज को याद करेंगे, आज को, आज से जो प्रगति करेंगे उस पर सबका ध्यान केंद्रित होगा, अपना ध्यान केंद्रित हो जाएगा। वैसे निभाए छोर, अंत तक इसे ले जाना है, तभी हम सचमुच जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जिस ऊंचाई में जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचेंगे। हम सबको करना है, आपको भी करना है, मुझे भी वही जो मैं कह रहा हूँ वह सारा काम मुझे खुद को करना है। सहबंदगी।